बॉलीवुड में जिस तरह से कुकृत्य हो रहे हैं एक के बाद एक, इससे एक बात तो साफ है कि बॉलीवुड में जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि ये यहाँ पे हो और ये जैसा हो रहा है इसको होने दे, कोई इस पे कुछ ना करे और कोई इसको छेड़े भी नहीं। और चाहे इसका असर, इस कुकृत्य का असर, इन अपराधों का असर पूरे देश पे पड़े और पूरा देश बर्बाद हो जाए, भाड़ में जाए देश, इस हमें कोई लेना देना नहीं है, यही कह रही हैं इन बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बॉलीवुड के जिन हस्तियों को हम अपना आदर्श मानते हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कि हम इनके राह चलेंगे, आज तो ये हो गया कि जिस घर को आप यहाँ पे ना देखो वही घर अच्छा है, नहीं तो देखें तो वहां उससे भी ज्यादा अपराध। महानायक अमिताभ बच्चन, महानालायक बोल रहे हैं आजकल उन्हें, मैं तो महामतलबी भी बोलूंगी, महामतलबी, महानालायक, मैं तो यही बोलूंगी, क्योंकि तुम लोग अपनी इज्जत आप खो चुके हो। आप अमिताभ बच्चन जैसा शख्सियत ये भी चाहते हैं कि बॉलीवुड में जो हो रहा है होने दो और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसको कोई किसी को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सबूत है महानालायक, महान मतलब भी हमारे सदी के अभिनेता जिन्हें हमें हमने बनाया, अमिताभ बच्चन जी, इन्होंने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके जन्मदिन पे बधाई, उनको कोई शुभकामनाएं नहीं दी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अमिताभ बच्चन जी कितने स्वार्थी इंसान हैं और कितने गैर जिम्मेदार इंसान हैं। वो चाहते होंगे कि शायद मोदी जी इस जो हो रहा है बॉलीवुड में इस पे फौरन रोक लगा दे, एनसीबी पे रोक लगा दे, सीबीआई पे रोक लगा दे, जो ईडी वहां पे जितनी भी एजेंसी वहां जांच के लिए बैठी हुई है रोक लगा दे, क्योंकि प्रधानमंत्री शीर्ष पद पे है, उनके हाथ पे सब कुछ है, यही कहना चाह रहे होंगे। उन्हें पता ही नहीं कि मोदी जी को 300 से ज्यादा सीट लेके अगर उस पद पे बिठाया है लोगों ने, तो उनसे क्या उम्मीद थी, भ्रष्टाचार पाप का खात्मा करेंगे, इसीलिए हमने उन्हें उस पद पे ज्यादा से ज्यादा वोट दे के बिठाए हैं और वो यो अपना काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जैसे महानालायक, महा मतलबी लोग उन्हें बधाई दें या ना दें। तुम्हारा खुद का घर पापों से भरा है, तुम्हारा खुद का घर कुकृत्यों से भरा, आपकी बेटी ड्रग्स में लड़की हुई मिलती है, आपकी बहू का चक्कर कहीं और मिलता है, आपका चक्कर कहीं और, इस तरह की फैमिली, मतलब तुम सब लोग ही एक जैसी हो, तो वहां पे जो हो रहा है इतना बड़ा मामलों में ड्रग्स का वहां पे जहर बोया जा रहा है हमारे देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि हमारे देश की पीढ़ियां सीधे सीधे आप लोगों को अनुसरण करती हैं, तो उस पर उसका फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जैसे लोग, जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाओगे तो जनता क्या बेवकूफ थोड़ा है, उस टाइम की जनता बेवकूफ नहीं कि आपने कुछ भी नाचा गाया तो आपको सर आंखों पर बिठाया लोगों ने, और आपने क्या किया हमारे देश के लिए, आज आपने मोदी जी को बधाई नहीं दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पड़े ना पड़े, हम चाहेंगे मोदी जी से, हम विनती करेंगे कि हमारे देश में हर तरह के अपराध को की पोल खुले, ड्रग्स जैसा धंधा जो खेती यहाँ पे बोई जा रही है, जो खेती हमारे देश के आने वाली पीढ़ी के सामने परोसी जाएगी, क्योंकि वो पीढ़ी आप लोगों को अनुसरण करती है, नहीं चाहिए हम आपके जैसे स्टार सुपरस्टार, आपके अपने घर के हो, हमारे लिए आप कुछ नहीं करे, अगर आप जिम्मेदार हस्ती होते, जिम्मेदार इंसान होते, इतने इतने महानायक का खिताब आपको लोगों ने दिया, इतना छप्पर फाड़ के प्यार दिया, आपको थोड़ा बुखार आ जाता है लोग दुआएं नहीं करते, हवन तक कर देते हैं, और आपकी क्या जिम्मेदारी इस देश के लिए, आपने अपना गुस्सा दिखा दिया कि मोदी जी क्यों भैया भ्रष्टाचार क्यों ये सब चीजों के पीछे पड़े हुए, ये इन चीजों पर रोक क्यों नहीं लगा रहे, अगर मोदी जी एनसीबी पे रोक लगा देते तो शायद आप खुश हो जाते, क्योंकि यहाँ जो ड्रग्स में पकड़े जा रहे हैं ना आपके आप ही के सगी संबंधी हैं, ये नहीं पकड़े जाते, तुम्हारी जो पोल खुल रही है, आपकी बेटी को भी लड़कते हुए देख रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जैसे लोग हमारे प्रधानमंत्री को बधाई दें या ना दें।
हम सिर्फ उनसे यही उम्मीद करते कि हमने उन्हें जिस काम के लिए उस पद तक बैठाया है वो काम होना चाहिए। हमें अपने देश को समृद्धशाली देखना है, हमें, और ये तभी होगा जब हमारे देश की पीढ़ी स्वस्थ रहेगी, हमारी पीढ़ी मानसिक रूप से शारीरिक रूप से, तभी हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। नाचने गाने से देश का भविष्य नहीं बनता, हमारे देश की पीढ़ी को आप गलत राह दिखा रहे हो, गलत जहर बोल रहे हो उनके लिए। उसके बावजूद भी, और इतना कुछ हो गया, इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी आप मुंह नहीं खोलते, एक लड़की के साथ इतना उल्टा सीधा गाली गलौज होती है आप मुंह नहीं खोलते, और मोदी जी का जन्मदिन उतना होता है तो आप बधाई नहीं देते, नहीं चाहिए आपकी बधाई, बैठे रहे हो आप। जिस मुकाम पे आपने लोगों ने पिटाया है ना, वहां से नीचे लाना भी अब लोगों का की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग हमारे देश को गलत दिशा दिखा रहे हो, इस देश की दशा खराब करने के लिए। इतने स्वार्थी हो, तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारी दुनिया एक बॉलीवुड तक की है, इससे अलग से ज्यादा आपको इस देश से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार। हमें नहीं लगता कि हमें इतने बड़े जो सितारे हमने आज तक बना दिए, और एक जिम्मेदार नागरिक होने नाते हम अपनी जिम्मेदारी को अब निभाएं। ये फालतू के नाच गा के इन्हें हमने अपने सर पे बिठाया, और इन्होंने हमारे साथ क्या किया ये सारे लोगों को दिख रहा है, तो इसके खिलाफ हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए। सही कहा था आड़ो गोसाई ने, नाचने गाने के लिए तुम अभी इतनी टिकट खर्च करके जाते हो, इससे तो किसी गरीब को दान पुण्य कर दो, कुछ अच्छा कर दो। तो इसलिए कुछ अच्छा करो, जिम्मेदार नागरिक होने की जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ेगी। इनके जैसे जो अब दिख गया सब, इनकी इनका चेहरा सामने आ गया हर तरह से, तो इनको आदर्श मानने की जरूरत अब बिल्कुल नहीं है। और इनके जैसे लोगों का हमारे प्रधानमंत्री को बधाई दे या न दे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाली वीडियोज की जानकारी के लिए करते रहना।